नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं इलस्ट्रेक की पूरी टीम। दोस्तों इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। इन लोगों ने 200 या 250 रुपए से कुछ शुरुआत करी थी और आज इनकी जो कंपनी है उसका इवैल्यूएशन कुछ 50 लाख से भी ऊपर है। तो स्वागत है गाइस हमारे चैनल में। पहली बार आप लोग देख रहे हैं, तीन तीन लोगों का इंटरव्यू एक साथ होगा। तो आपका नाम प्रखर, मिहिर और सत्यांश जी, तो स्वागत है आप तीनों का हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो शुरुआत करी थी अपनी, जो भी इलस्ट्रेक की टीम है, आप आज जो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, काफ़ी नाम है गाइस इनका। आप लोगों को मैं कुछ अगर बताऊँ एग्जाम्पल, तो इन लोगों ने प्रीतम सर का जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है उसका इन लोगों ने ब्रांडिंग किया था, मतलब लोगो एंड ऑल पूरा इन लोगों ने ही बनाया था, काफी अच्छा था यार। ये बात बताओ मेरे चैनल के लिए लोगो कब बना रहे हो? अगले हफ्ते में आ जाएगा। नहीं नहीं, अगले हफ्ते नहीं, ये वीडियो रिलीज होने से पहले आना चाहिए, मतलब 4-5 दिन मुश्किल से। मतलब ये वीडियो रिलीज तभी होगी, इस पे लोगो चढ़ेगा तब। 2 दिन देखते हैं लोगो कैसा बनाते हैं और लोगो मजबूत बनाना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो भी कंपनी है, कब आपने स्टार्ट किया, कैसे हुई स्टार्ट, जर्नी बताइए जरा। सत्यांश सर बताइए थोड़ा। हम लोग ने 12th के बाद जो था हमारा, जब 12th का एग्ज़ाम हो जाता है तो वो टाइम पे क्या होता है ना, सबके दिमाग में चलता है कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो यही सोच के हम लोग ने अलग स्टार्ट किया था। हम लोग ने एक वेबसाइट बनाई थी, म्यूज़िक की वेबसाइट। हम लोग ने सब इलीगल कंटेंट डाले थे उस पर, मतलब कि म्यूज़िक डाउनलोड करना था। जैसे नाम ले सकता हूँ मैं? हाँ ले सकते हैं। जैसे songlover.pk था और ये सब सब थे ना वेबसाइट्स, वैसा ही टाइप का था। तो हम लोग ने स्टार्ट किया और 3 से 4 महीने के बीच में हम लोगों को कुछ नहीं तो 6-7 हज़ार विजिटर्स हर दिन आने लगे उस पर। फिर एक दिन हम सर्च कर रहे थे, मतलब गूगल किया हम लोगों ने कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे ये चलता है, कैसे काम करता है। तो हमको पता चला कि इसके राइट्स लेने पड़ते हैं ये जो है, और वो भी राइट्स कैसे मिलते हैं, स्ट्रीमिंग राइट्स जो होते हैं कुछ, तब हमने रिसर्च किया था तो 60,000 6 महीने का था। अगर आपको समझ लीजिए टी सीरीज से राइट्स चाहिए तो 60,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो फिर पता चला कि ये चीज़ें इलीगल भी थी, मतलब उनका बोलते ना माल लेके किसी और को देना इलीगल था। बराबर। तो हम लोगों ने सोचा कि ये ऐसे गलत काम तो नहीं करने, भाई फेमस होना है बट ऐसे फेमस नहीं होना है, या बोलते ना पैसे कमाने तो ऐसे नहीं कमाने। तो हमने वो साइट बंद कर ली। फिर हमने एक वेबसाइट चालू की थी इंट्रो वेन्यू नाम से। सो उसमें क्या हुआ था, कोई एक रशियन बंदा था, तो रशियन बंदे ने हमारी वेबसाइट को हैक कर लिया। तो हम लोग की टीम छोटी हो गई, मतलब पहले 6 दोस्त थे हम, तो मतलब दोस्तों अभी भी है बट बोलते हैं टीम छोटी हो गई, हम 3 ही बचे। उन लोगों को फिर करना नहीं था, उन लोगों को कुछ और करना था क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था और इनकम नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं दिख रहा था। हाँ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर हम 3 बचे, तो 3 के नाम से हम लोगों ने 3 मिनियंस चालू किया। मिनियंस पता है वो कार्टून है, तो उसके ऊपर से हम लोगों ने नाम लिया है 3 मिनियंस। वहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉगिंग चालू की, तो ब्लॉगिंग के थ्रू काफ़ी बोलते ना पैसे तो नहीं आए थे, 6 महीने तक कुछ रुपया नहीं आया। तो क्या करते हैं हम लोग उसमें फीचर इमेज बना देते, ब्लॉग की फीचर इमेज जो होती है वो बना देते। तो एक यूके के बंदे को वो चीज़ अच्छी लग गई, मतलब एक बढ़िया सा इमेज बनाया था, उसको भा गया। तो उसने बोला कि हम देंगे तुमको $5 पर इमेज, और तब $5 हमारे तो वाह वाह हो गई थी। तो उसने समझो ना कुछ 10 इमेज का ऑर्डर दिया था तभी। तो हमको पता चला कि डिजाइनिंग के थ्रू पैसे आ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे खाली ब्लॉगिंग से आ जाएंगे, तो डिजाइनिंग के थ्रू हमको पैसे आ सकते हैं। तो वो ऑर्डर किया हमने, फिर हमने ढूंढा के किसी का लोगों का ऑर्डर मिल सकता है क्या, या कोई और डिजाइनिंग का बैनर मिल सकता है। तो वैसे ढूंढते थोड़े काम मिलते गए, फिर पोर्टफोलियो बोलते थोड़ा डेवलप हो गया। फिर हमने सोचा कि हम अभी एक डिजाइनिंग फर्म अलग से खोल लेते, मतलब 3 मिनियंस के नाम से नहीं करना। तो हमने इलस्ट्रिक चालू की। तो इलस्ट्रिक का नाम का आइडिया प्रखर जी ने निकाला, मतलब अच्छा। दोनों ब्रांड का नाम का आइडिया प्रखर जी ने ही निकाला है, तो वो बताएंगे अभी आगे की स्टोरी। तो जब भी लोगो डिजाइनिंग हमने स्टार्ट की थी, तो मतलब हम लोग इलस्ट्रेटर पे ही लोगो बनाते थे सारे, एडोबी इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर और इलस्ट्रिक, तो मैंने उसको थोड़ा सा अच्छा कुछ पंगा नहीं होगा बाद में ट्रेडमार्क का इशू? नहीं, हम लोग के पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अच्छा रजिस्टर्ड है, तो अलग ही क्लास है ना हम लोग का, सर्विस वाला क्लास है, तो वो उनका सॉफ्टवेयर वाला क्लास। तो सर रजिस्टर हो गए हम लोग, और फिर और भी काम मिलते गए लोगोस के है। अच्छा आप लोग एक साथ कैसे आए, लाइक आपने बोला कि 6 लोग थे, तो कब से आप लोग साथ में? ये हम लोग तो सब बचपन से साथ में थे, मतलब स्कूल, मतलब तिवारी जी हमको थोड़ा लेट मिले, 8वीं में मिले, आए थे यूपी से।
हम भी यूपी से हैं भाई। तिवारी जी हमारे क्लास में, इनके बड़े भैया ने हमको इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब इनके क्लास में हम एक चीज मैं बोला था मिहिर भाई, अगर जब बोलना था यूपी से हैं तो एकदम आपका यूपी वाला टोन कहाँ से आ गया? अरे थोड़ा फील लाना पड़ता है ना। आप कहाँ से हो? ये भी यूपी वाला। ये भी यूपी से, ये गुजराती है, मतलब बनिए का दिमाग और इन लोगों की डेयरिंग सही है, सही कॉम्बिनेशन है। तो आप लोगों ने जब ये सोचा लोगो डिजाइनिंग का, जैसे कि आपने बताया आपको एक ऑर्डर आया था, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ये चीज़ें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सो यहाँ पे एक मार्केट में लैग है। अभी आप कोई बड़ी बैंक के पास जाओगे लोगों के लिए, तो आपको मुँह खुलेगा 1 लाख रुपये का लोगो, 2 कॉन्सेप्ट। सो उतना महंगा स्टार्टअप अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों ने स्टार्टअप लोगों के लिए एक इजी वे बना दिया कि हम इतने सस्ते में आपको क्वालिटी सर्विस देंगे जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा था। okay. आप जाते हो कोई फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको छपा छपाया कॉन्सेप्ट मिल जाता है, बट यहाँ पे मेरी टीम रिसर्च करती है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाती है और आपकी ब्रांड के सूटेबल लोगो बनाती है। आप मतलब आपको लाइफ में दूसरी बार लोगों का क्या बोलते हैं रीडिजाइनिंग ना करना पड़े। क्या बात है, मतलब ये आइडिया काफ़ी अच्छा था कि आप लोगों ने उस गैप को फिल किया, लाइक जो स्टार्टअप वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसे नहीं होते, ना ही वो डालना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, एंड उनके लिए आप लोगों ने सर्विस निकाला, काफ़ी अच्छा है। तो अभी आप बताना चाहेंगे कि आपके क्लाइंट्स के नाम आपने किन के लिए आपने लोगो वगैरह डिज़ाइन किया, ब्रांडिंग किया? तो हमारी मतलब लोगो डिज़ाइनिंग एक ही सर्विस नहीं है, हम लोग कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं, मतलब वीडियो प्रोडक्शन है, स्टूडियो सर्विसेज है, वो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे पूरा वो मतलब फ्लो लिखा रहता है। फिर वेबसाइट का UI UX है, जो यूज़र इंटरफेस काफ़ी बोलते हैं ना आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो वो सब चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ने मतलब काफ़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, काम किया है। वन ऑफ देम इस ये कल्याण ज्वेलर्स है, फिर उनके लिए हम लोग ने एक वीडियो प्रोडक्ट बनाया था, 2D एनिमेटेड वीडियो, उनकी सब्सिडियरी कंपनी के लिए, उसका नाम है कैंडियर बाय कल्याण। और शेल ग्लोबल के लिए काम किया है, जो दुनिया की एक सबसे बड़ी बोलते हैं एक ऑयल कंपनी है। फिर हम लोगों ने इनके लिए भी काम किया है, पिच ग्राउंड जो बोलते हैं सैस प्रोडक्ट है, उदित गोयनका जी का है। okay. तो वो भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है उनका प्रोडक्ट। फिर हम लोगों ने ब्लू स्टैग है, फिर मोरा वंडरशे है। मोरा के लिए क्या किया था आपने? कंटेंट मार्केटिंग, मतलब उनके लिए हम लोगों ने मतलब अलग अलग जगह पे कंटेंट मार्केटिंग कर रही है। अर्बन लैडर है, बेसिकली आप लोग का सारा काम ऑनलाइन इंडस्ट्री पे ही बेस्ड है। तो कितने सारे लोग आपकी टीम में? यहाँ पे देखा जाए तो 11 लोग की टीम है, और 2 लोग साउथ से ऑपरेट करते हैं, मतलब कंटेंट राइटर्स है, साउथ से ऑपरेट करते हैं और रिमोट वर्क बोलते हैं ना, रिमोट वर्क। और अभी एक नया बंदा आया है बिहार से, सो हम थ्रीनियंस हिंदी में चालू कर रहे हैं। अच्छा। तो बोलते हैं ना एक देसी तड़का, तो बिहार से हमारा टीम मेट है। ओके नाइस। तो अभी आप लोग जो अभी तुम्हारे सामने 3 लोग हैं, तो आप लोगों का रोल बताइए कि आपका क्या रोल है, इनका क्या रोल है, इनका क्या रोल है? मैं थ्रीनियंस को देखता हूँ, मेरा पूरा फोकस थ्रीनियंस जो वेबसाइट है, ब्लॉग है उसको, हाँ उसको कैसे करना है, या फिर जो भी टॉपिक्स वगैरह रहते हैं, कंटेंट वगैरह आप लिखते हो कि लिखवाते हो? मैं लिखता नहीं हूँ, मैं लिखवाता हूँ, हमारे पास राइटर्स हैं ऑलरेडी, 3-4 लोग की टीम हमारी, तो मैं बस कीवर्ड रिसर्च करना, फिर SEOs करना है, टॉपिक्स उनको आप देते हो? हाँ वो सब मैं करता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग लोगोज में हाँ डाल देता हूँ। आप सर? सो बेसिकली मेरा काम है बिजनेस डेवलपमेंट, लाइक लोगों के ऑर्डर्स लाना, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स लाना, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स लाना। तो क्लाइंट्स को आप पिच करते हो? पिच करता हूँ मैं, फिर कोऑर्डिनेशन उनसे करता हूँ, मतलब बोलते ना फ्रंट एंड मैं हूँ, बैक एंड ये है। ओके okay. आप? मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है। अच्छा, लोगो ग्राफिक सारा काम आप करते हो? लोगो मेरा लोगो कब बना के दे रहे हैं? जब भी हो पाएगा जल्दी से जल्दी। मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि 250 से शुरुआत हुई थी, तो ये 250 की शुरुआत थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को? 250 सो बेसिकली ये स्टार्ट कैसे हुआ था कि हम लोग को दिवाली पे, मतलब मेरे को तो कुछ नहीं मिलता था, मैं गांव में था, इन लोगों को पैसे मिले थे कपड़े लेने के लिए, जो okay. बोलते हैं दिवाली की शॉपिंग होती है, तो उन लोगों ने अपने पैसे बचा के 250 रुपये लगाए होस्टिंग और डोमेन पे। पैसे कितने मिले थे? 500 रुपये मिले होंगे, 500-500। हाँ 500-600 रुपये तो भी मिलता था, तब के टाइम पे काफ़ी था हमारे लिए, मतलब हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मतलब बहुत मिलता है, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता था मेरे को नहीं मिलता था, इन लोग को मिलता था तो फिर उसी से हमने होस्टिंग और डोमेन खरीदी, मतलब एक महीने की ये खरीदी थी। अच्छा। होस्टिंग और 1 साल का डोमेन लिया था, तब गोडैडी पे कुछ ऑफर था, बोलते ना आप कपड़े नहीं लिए? नहीं कपड़े हम लोग ने थोड़ा कम लिए, कॉम्प्रोमाइज़ वाला लिया, सस्ता वाले लिए, अगर शर्ट पैंट खरीदना था हम लोगों ने बस शर्ट लिया ऐसा। इस बात पर लाइक बनता है गाइस, सेक्रीफाइस कर दिया इन लोगों ने। किस समय की बात है? 2015 15 दिसंबर 5 साल की बात है।
तो मतलब कहने का मतलब है कि इन लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी थी उस डोमेन में करी थी, और उस डोमेन के बाद उन्होंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, फिर जो भी पैसे आए उसको इन्वेस्ट कराए, अलग से इन्होंने पैसे नहीं डाले हैं, जो भी कमाया उसको ही उसको ही लगाया है। तो कितने साल में पैसे आने शुरू हो गए थे? मतलब थ्री मिलियन से हम लोग को कितना एक साल लग गया था, पहला $100 एक साल से ज्यादा लग गया था। तो चलिए अब बात करते हैं आप तीनों लोगों की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या अभी पढ़ाई कर रहे हो कि कर चुके हो? नहीं अभी तो कर चुके हैं, तो क्या, लेकिन क्या हम लोग का मोस्टली इस फील्ड में कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, तो जो भी सीखा है सब यूट्यूब और इंटरनेट से सीखा, ऑनलाइन ही सीखा है। देखो मोस्टली जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है ना, सब यही बोलते हैं कि हमने गूगल से सीखा है, हमने यूट्यूब से सीखा है। तो कहने का मतलब आप भी दोस्त बनाइए अपना गूगल को और यूट्यूब को। कंटिन्यू करिए प्रखर भाई। जी मैं BSc फिजिक्स में हूँ, मैंने BMS किया है। BMS होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और ये इंजीनियर भैया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियर मिल गए यहाँ। ओके तो मतलब अभी आपका कंप्लीट हो चुका है कि अभी कर रहे हो? सबका अभी हुआ, अभी इसी साल हुआ? नहीं, एक साल पहले, मतलब 2019 में पास आउट हुआ। हाँ सही है यार। और मतलब आप लोग बचपन से जब साथ में पढ़ाई कर रहे थे, जब हायर स्टडीज के लिए आप लोगों ने अलग अलग फील्ड क्यों चुना फिर? ज़्यादातर ये होता है कि दोस्त हैं भाई तो एक ही ब्रांच में जाएंगे, एक ही फील्ड में जाएंगे। सो मतलब मेरा क्या हुआ ना कि मैं 12th के बाद मेरे को पता नहीं था क्या करना है। मैं इन लोगों के साथ साइंस में जाने वाला था, बट फिर रियलाइज हुआ कि भाई अपनी उतनी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, औकात नहीं है कि मैं उतना पढ़ लूँगा। सच्चाई बता, सच्चाई तो बता रहा हूँ, इतनी औकात सच्चाई क्या है? इंजीनियरिंग का फीस कितना होता है? लाख रुपए में औकात नहीं है। चलो औकात में आ गया, कभी नहीं थी उतनी। हाँ, कि मैं पढ़ लूँ या मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना नहीं था, इसलिए फीस बहुत था। एक्चुअली फीस बहुत था, और मैंने भी कैसे भी करके पढ़ाई मैंने करी इंजीनियरिंग की, वो तो स्कॉलरशिप एंड ऑल ये सब मिला, थोड़ा बहुत मतलब अपने को रिबेट मिला। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अभी अभी मतलब कैसा लग रहा है? अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया, तभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो अभी फ्यूचर का प्लान क्या है? फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? तो हम लोग उतरेंगे, बोलते हैं खुद के प्रोडक्ट्स बनाने, अब तो ऐप डेवलप करने हैं, फिर खुद के सेल्स प्रोडक्ट्स बना सकते हैं फ्यूचर में। मोस्टली ऐप पे कंसंट्रेशन होगा। ओके, क्योंकि खुद के प्रोडक्ट्स में किस टाइप का ऐप बनाना चाहते हो? हम लोग बेसिकली या तो एडिटिंग या डिजाइनिंग से रिलेटेड। ओके, फोटो एंड ऑल एनिमेशन, फोटो ग्राफिक्स से रिलेटेड, मतलब जिसमें थोड़ा नॉलेज अभी बन गया है। फिलहाल अभी कोई ऐप वगैरह है? अभी प्ले स्टोर पे दो ऐप लाइव है, एक अनक्लिप है और एक नोक्रॉप ऐप है। कितने डाउनलोड्स होंगे उस पे? 50,000 प्लस होंगे दोनों पे। तो अगर अभी बात करें आप लोगों के रेवेन्यू मॉडल की, तो क्या रेवेन्यू मॉडल है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है जो एक्सपेंसेस एंड ऑल, क्योंकि ऑलरेडी आपने बताया कि कुछ 11 लोग हैं आपके कंपनी में, तो उसके बारे में बताइए। सो इनकम सोर्सेज में दो तरीके है, लाइक एक तो एडसेंस के थ्रू आता है जो 3 मिलियंस का है, और दूसरा हम लोग की सर्विसेज है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, ब्रांडिंग सर्विसेज है, वीडियो प्रोडक्शन है। तो सबके थ्रू इनकम आती है अलग अलग सोर्सेज से, एक जगह पे एक्यूमेंट होती है, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक सैलरी देना हो गया, फिर एक्सपेंस यहाँ के पूरे, फिर हम लोग की खुद के जो पर्सनल व्यू होते हैं। तो एक्सपेंस की भी बात करेंगे। वैसे अभी गाइस मैं बता दूँ, जो इस अभी ऑफिस में अपन शूट कर रहे हैं, इस ऑफिस का कुछ रेंट 30,000 पर मंथ है। 35 पकड़ लो, 35,000 है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह लेके? इलेक्ट्रिसिटी पकड़ोगे तो 40। पानी एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इशू है। ओके, तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 40,000 पकड़ लो, सिर्फ रेंट देते हैं, उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज है उनको पे करना होगा, उनका पे करना हो गया। तो ऑलमोस्ट कितना रेवेन्यू कितना जनरेट होता है पर महीने? हम लोग का एक्सपेंस देखे तो 2 लाख तो मिनिमम एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपका 2 लाख? हाँ, रेंट का छोड़ दे तो बस समझ लो सैलरी और सब देखे हम लोग का छोड़ के, हम लोग का खुद हम तीनों का छोड़ के। तो रेवेन्यू टोटल कितना होता है? तो आप समझ लो थोड़ा, बताना नहीं चाहते भाई लोग। चलो ठीक है, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको ऑफिस का भी थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखा दूंगा, और ऑफिस का रेंट देना हो गया, एम्प्लॉयज़ को पे करना हो गया, ये सब इंक्लूड करके कुछ 2 लाख के आसपास जाता है। एक और बात मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग तीन लोग काफ़ी टाइम से आप लोग साथ में काम कर रहे हो, इवन आप लोगों के साथ और भी लोग हैं, तो कभी कोऑर्डिनेशन को लेके लफड़ा हुआ है, मतलब पंगा हुआ? भगवान की कृपा है, मतलब हम एक दूसरे को गाली दे देंगे, मार लेंगे, बट कभी वैसे झगड़े नहीं होंगे कि अलग होना है या गलत चीज़ है, तो वैसा कुछ नहीं होता। नहीं सही, अच्छा है। तो नहीं यार, काफ़ी जगह पे मैंने देखा है कि जब एक टीम होती है या फिर पार्टनरशिप में चीज़ें होती है तो प्रॉब्लम होता है बाद में। नहीं, एक्चुअल में हम लोग की कंपनी का वही स्ट्रेंथ है कि हम लोग साथ में। हाँ क्या बात है,
मतलब आप लोगों ने इसको पॉजिटिव लेके आप चलते हो। हाँ, हम लोग के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। सही में ऐसा है क्या, किसी को ज्यादा होता मिलता है क्या? कभी कभी मैं ज्यादा लेता हूँ, मेरे खर्चे ज्यादा, क्योंकि अभी मेरे लाइक डैड लास्ट ईयर ऑफ हो गए थे, सो पूरा घर की जिम्मेदारी सब कुछ मेरे पे ही है, तो थोड़ा मैं लेता हूँ ज्यादा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और लोग देते भी है। नहीं नहीं अच्छा, अगर भाई सही है और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तभी एक टीम अच्छा काम कर पाती है। अच्छा भाई लोग, अभी मान लीजिए आप लोग इतना आप लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया खुद को, या अच्छा खासा सेटअप है इनका, मतलब ऑफिस है मुंबई जैसे शहर में, तो आप लोगों के लिए सक्सेस का की फैक्टर क्या? आप लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है जी। तो क्या आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि ये हमारे लिए सक्सेस फैक्टर था और हमने उस पर काम किया? हमारे लिए हमेशा से हार्डवर्क जो है सक्सेस फैक्टर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैसे तो थे नहीं, हम लोग ने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को लिया नहीं, हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं थे, हम लोग ने खुद से पैसे बनाए और खुद ही इन्वेस्ट किए। मैं इस पर एड ऑन करना चाहूँगा कि एक और सक्सेस का पॉइंट ये हो जाता है कि हम लोग साथ में हैं, मतलब कुछ मुसीबत आया, बोलते हैं अभी लास्टली लाइक लास्ट ईयर मैंने जैसे आपको बताया मेरे डैडी ऑफ हो गए थे, तो तब उसके खर्चे अलग होते हैं, आपको पता है विधि विधि के सब बोलते हैं ना, नेक्स्ट लेवल खर्चे होते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है, मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट है, मतलब मैं बोलूँगा कि मेरा सोशल मीडिया का मतलब इन लोग के अकाउंट्स मैं हैंडल करता हूँ, तो वो जो टीम बिल्डिंग जो ट्रस्ट है ना, जो बोलते हैं ना आप मतलब भाई जैसा है, मतलब कोई कभी किसी को वो नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, या बोलते हैं ना चीट नहीं करेगा, तो वो एक बहुत बड़ा सक्सेस का पॉइंट हो जाता है, मतलब मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ इन लोग के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल ये मिलता नहीं है कि आपका टीम डिस्प्यूट होता है, हर कोई अपना बेनिफिट देखता है कि मैं क्या कमा लूँ मैं क्या निकाल लूँ, तो वो हमारे में नहीं है। तो जब भी आपके डैड ऑफ हुए तो आपके घर में मतलब और दूसरा कोई पैसे कमाने वाला नहीं था, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई थी। ओके, तो लाइक छोटी बहन की पढ़ाई है, मतलब एजुकेशन खर्चे तो आपको पता ही कितने, आप तो आप घर में आप बड़े हो सबसे? हाँ मैं एक बड़ा हूँ, छोटी बहन है। ओके, वो ही पढ़ रही है। अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, एंड आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी आप लोग आगे जाएंगे, और भी एक बात मेरा लोगो बना देना। जल्दी बनाएंगे जल्दी बनाएंगे। चलिए एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग जो काम कर रहे हो लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग का, लोगो डिजाइनिंग का, तो इसमें मतलब परेशानियाँ क्या क्या आते हैं आप लोगों को, चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बोलते हैं क्लाइंट कभी कभी फुल पेमेंट नहीं करता या पैसे अटक जाते हैं, सर्विसिंग में ये बहुत बड़ा इशू होता है। सो अब तो हम लोग ने बोलते हैं ठोकरे खा खा के अब टर्म्स एंड कंडीशन वैसे बना लिए कि 50% एडवांस कंपलसरी है और रिफंड की पॉलिसीज है, सब कुछ अब कर लिया। जब नया नया स्टार्ट किया था तो बहुत इशू आते थे, और अभी भी मतलब लेट पेमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है यार, बोलते हैं ना आपको वो फिर दिमाग में रखना पड़ता है कि आपका रोलिंग कैसे घूमेगा, क्योंकि जैसे 2 लाख का रोलिंग हम लोग का, 2-2.5 लाख का रोलिंग है महीने का, तो कैसे घूमना है, तो वो टेंशन हरदम बनी रहती है सर्विसिंग में। क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं आप सर्विस के लिए? कि अभी तक तो हम लोगों ने पिचिंग करी ही नहीं है, मैं सच बोलूंगा। सामने से आपको रेफरल क्लाइंट्स है मेरे को, जैसे आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप मेरे को 10 लोग को बोलोगे कि भाई मिहिर अच्छा काम करता है या मिहिर की कंपनी अच्छा काम करती है, सो वैसे ही धीरे धीरे करके हमारा क्लाइंट बेस बढ़ गया। अब इतना बड़ा क्लाइंट बेस हो गया है कि रेफरल से ही हमारा बिजनेस चल रहा है। हम लोग अभी तक बोलते हैं इलेक्ट्रिक के लिए हम लोगों ने एड्स नहीं चलाए हैं। तो अभी मतलब ऐसा है कि आप लोग को काम बराबर मिलता है, आप लोग पिच नहीं करते? पिच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, जैसे वर्कलोड बढ़ रहा है और टीम भी बड़ी, टीम बड़ी हुई, एक्सपांड करना अब करना पड़ेगा, अब टाइम आ चुका है कि क्लाइंट को पकड़े बड़ी बड़ी डील्स। और ये जो बाकी के जो टीम है लाइक आप लोग के अलावा जो और भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग क्या करते हैं? डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। हम लोग यहां पे पूरी जो भी टीम है मोस्टली सब ऑलराउंडर्स ही हैं, क्यों लोग सब कोई एक फील्ड में स्पेसिफाई नहीं है कि हां इसको ही करना है, काम स्पेसिफाइड है लेकिन वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, आधा सब कुछ होता, मतलब काम रुकेगा नहीं। हमारे पूरी यंग टीम है, कोई भी बोले तो 26 के ऊपर नहीं है हम लोग में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, कर लो भैया लाइक कर लो, लाइक कर दो। और पहली बार हमने एक टीम को ही लेके आया, और कोशिश करेंगे कि और भी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को मैं अप्रोच करूं, तो उसके लिए आपको करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही लोगों को बुलाता रहूं अपने चैनल पे। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।